हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम कर रहे हैं अपनी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करते हैं, और आज रहने वाली हमारी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लास नंबर 5। इससे पहले कि अगर आपने चारों क्लासेस नहीं देखी हैं जो हम पहले कर चुके हैं, वो आप जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बन चुकी है, चैनल के प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो वहां पर आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 2024 क्लासेस करके एक ऑप्शन मिलेगा, वहां से आप देख लीजिएगा। ऐसा थंबनेल होगा जो अपने सामने दिख रहा है, वैसा ही थंबनेल आपको देखना है। वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सारी क्लासेस मिल जाएंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निमी बेस्ड क्वेश्चन है। एग्जाम में देखिए 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के पूछे जाएंगे और 25 में से 25 क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही करना है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सिंपल सब्जेक्ट है, मुझे पता है। आप कहेंगे कि नहीं, उसमें तो हम पास हो ही जाएंगे। पास नहीं होना है, बिल्कुल पूरे में पूरे नंबर लाना है। पूरे में पूरे नंबर लाने के लिए आपको इन क्लासेस को देखना बहुत ही जरूरी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निमी बेस्ड आपके क्वेश्चन है। तो पढ़ते हैं अपनी क्लास पर। क्लास नंबर 5 है, बेसिक इंग्लिश स्किल हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। और पहला क्वेश्चन है, इंग्लिश इज आर डैश लैंग्वेज। अंग्रेजी एक डैश भाषा है। तो जो अंग्रेजी है, ऑप्शन पढ़ेंगे कॉमन, डे, नाइट, इवनिंग। तो जाहिर सी बात है, अंग्रेजी जो है, जो इंग्लिश है, वो एक कॉमन लैंग्वेज है। हम किसी भी स्टेट में जाएं, जैसे हमारे कंट्री में जो स्टेट है, जैसे गुजरात है, पंजाब है, हरियाणा है, और भी स्टेट है, वहाँ पर अदर अदर लैंग्वेज यूज होती है, अदर अदर लैंग्वेज बोली जाती है। लेकिन अगर हम अंग्रेजी सीख लेते हैं, लेकिन जो इंग्लिश भाषा है वो बिल्कुल कॉमन है, वो सीख लेते हैं, तो हम किसी भी स्टेट में जाएं या फिर किसी भी कंट्री में क्यों ना चले जाएं। फॉर एग्जांपल, हम बांग्लादेश जा रहे हैं, तो बांग्लादेश में लोकल लैंग्वेज क्या है? बंगाली है, राइट। लेकिन वहाँ पर इंग्लिश भी लोग बोलते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर इंग्लिश बोलते हैं, तो वो एक कॉमन लैंग्वेज है। हम किसी भी कंट्री में चले जाएं, तो अगर इंग्लिश में हमें बात करनी आती है, तो कम से कम हम एकदम कॉन्फिडेंटली किसी भी कंट्री में कहीं पर भी संवाद कर सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं बिना झिझक के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन है, यूजिंग इंटरनेट इज ईजी इफ वी लर्न। यदि हम डैश सीख लें तो इंटरनेट का उपयोग करना आसान होगा। स्पोर्ट, इंग्लिश, मैथ या साइंस? आप लोग आंसर मेरे से पहले दे देते हो, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंग्लिश सही हो जाएगा। देखो, हमारे जैसे दादा दादी हैं या नाना नानी हैं, वो क्या बोलते थे, वो हम लोग उनसे बोलते थे कि नानी आप ये फ़ोन बड़ा वाला फ़ोन रखा करो, मतलब स्मार्टफोन रखा करो। हम उनकी भाषा में बोलते थे, नानी आप बड़ा वाला फ़ोन रखा करो। तो वो कहते थे, नहीं नहीं हमें नहीं आता है चलाना, हमको तो छोटा वाला दे दो। तो हम लोग कहते थे कि वीडियो कॉल कैसे करेंगे नानी? तो वो कहती थी, वीडियो कॉल हम नहीं जानते, हमको वो बड़ा वाला नहीं चाहिए, हमको छोटा वाला बटन वाला फ़ोन चाहिए। ऐसे वो बोलती थी। वो ऐसे क्यों मना करती थी? भाई फ़ोन तो फ़ोन है। अब वो इसलिए मना करती थी क्योंकि उनको इंग्लिश की लैंग्वेज नहीं पता थी, उनको इंग्लिश नहीं आती थी, राइट। अगर इंग्लिश आती होती तो वो फ़ोन क्या, तुम्हारा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब चेक कर डालती, वो खुद इंस्टाग्राम आईडी बना लेती अगर उनको इंग्लिश आती होती, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। भाई इंग्लिश की नॉलेज होगी तभी तो हम कोई भी चीज़ सीख सकते हैं, मोबाइल चला सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, अदर स्टेट में जा सकते हैं, अदर कंट्री में भी जा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वी कैन लर्न इंग्लिश बाय। हम डैश द्वारा अंग्रेजी सीख सकते हैं। हम किसके द्वारा अंग्रेजी सीख सकते हैं? ऑप्शन हमारे कुकिंग, प्लेइंग, रीडिंग न्यूज़पेपर या फिर नन। अब हम सभी को पता है, नन नहीं होगा, प्लेइंग नहीं होगा, कुकिंग नहीं होगा, भाई खाना बना के हम कैसे अंग्रेजी सीख सकते हैं? नहीं ना, प्लेइंग खेल कर भी नहीं सीख सकते हैं, और नन तो ये है ही नहीं। रीडिंग न्यूज़पेपर, अगर इस ऑप्शन में इंग्लिश और होता तो ये ऑप्शन और बेहतर बन जाता, रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर, राइट। ऑप्शन हमारे ये सही, ऑप्शन सी। मेरे एक सर थे, वो भी कहा करते थे कि अगर आपको इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश स्किल, कम्युनिकेशन स्किल आपको अच्छी करनी है इंग्लिश में, तो आप जो इंग्लिश वाला न्यूज़पेपर आता है उसको पढ़ा करें, उससे आपकी जो स्किल है इंग्लिश बोलने की वो आपकी सुधर जाएगी और आप बेहतर इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, टॉम ट्राइज टू रीड द नेम बोर्ड्स, एडवर्टाइजमेंट एंड पोस्टर दैट आर इन इंग्लिश, दिस हेल्प हिम टू। टॉम उन नाम बोर्डों, विज्ञापनों और पोस्टरों को पढ़ने की कोशिश करता है जो अंग्रेजी में है, इससे उसे डैश में मदद मिलती है। अब भाई अंग्रेजी में कुछ पोस्टर लगे हैं, वहाँ पर कुछ लिखा हुआ है इंग्लिश में, तो जो टॉम है उनको पढ़ने की कोशिश कर रहा है। चित्र भी हैं तो चित्र से, और चित्र से समझने की कोशिश कर रहा है, और इंग्लिश में भी कुछ कुछ उसको समझ में आ रहा है, तो उससे वे क्या, उसको क्या मदद मिल रही है? इम्प्रूविंग इंग्लिश, राइट। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, वो अपनी इंग्लिश को सुधारने की कोशिश कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट कंट्रीज मीट ऑफिशियली, डैश इज द कॉमनली यूज लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। ये क्वेश्चन मैंने पहले ही, जो हमने क्लास स्टार्ट करी थी, पहला जो क्वेश्चन था वो सिमिलर है, मैंने आपको बताया था। आंसर तो आपका बिल्कुल सही है, इंग्लिश है।
जब विभिन्न राज्यों और देशों के लोग आधिकारिक तौर पर मिलते हैं तो एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए डैश आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है। सिंपल सी बात है, इंग्लिश है। जब किसी दूसरे स्टेट से लोग, जैसे पंजाब, पंजाब की लैंग्वेज थोड़ी अलग है, गुजराती लैंग्वेज अलग है, मराठी लैंग्वेज अलग है, राइट। लेकिन हम सब में एक कॉमन लैंग्वेज क्या है, एक तो हिंदी तो है ही, लेकिन अगर हम अदर कंट्री की बात करें तो हमारी जो कॉमन लैंग्वेज होगी वो होगी इंग्लिश, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू नेम पीपल, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स आर डेथ। जिन शब्दों का उपयोग लोगों, स्थानों, जानवरों और चीजों के नाम के लिए किया जाता है वे डेथ हैं। अब यहाँ पर ध्यान से समझ गया, लोगों लोग कौन है भाई? चार लोग हैं, चार लोग क्या कहेंगे, वो लोग हैं कौन? आज तक किसी को पता चला है कि वो चार लोग हैं कौन? भाई किसी को पता चला हो तो बता देना, वैसे अभी तक पता नहीं चला है कि वो चार लोग हैं कौन, जो चार लोग ये बात कहेंगे वो कहेंगे। तो जो लोग हैं वो लोग हैं कौन? हम ही लोग तो हैं, हम लोग हैं। अनामिका ले लो, और एक ले लो आरती ले लो, एक प्रवीण ले लो, राइट। और भी नाम है, सॉरी मैं सबके नाम नहीं ले पाऊंगी। तो अनामिका, आरती, प्रवीण, ये सारे हैं, ये कौन है? ये हम लोग ही तो हैं, ये लोगों में ही तो आते हैं, और ये हैं हम लोग, नाम है। स्थान की अगर बात करूँ तो कानपुर ले लो, कानपुर या आगरा, और भी स्थानों के नाम ले लो। जानवर में हम कैट ले सकते हैं, डॉग ले सकते हैं, जो भी जानवर आते हैं। चीजों यानी कि कोई भी सामान है, सामान में देखिए फ्रिज ले लें, राइटिंग मेरी कैसी आ रही है, फ्रिज, कूलर एंड मैनी मोर थिंग्स, राइट। तो ये सब क्या है, इन सब के नाम ही तो करे गए हैं। मेरा नामकरण किया गया अनामिका नाम से, आरती का नाम किया गया आरती नाम से, प्रवीण नामकरण है ये, कानपुर नामकरण किया गया है कानपुर का, आगरा भी नामकरण है कैट, भाई जब भी इन्वेंशन हुआ होगा फ्रिज का, कूलर का, तो नाम रखा गया होगा, तो ये इसका हम फ्रिज रखते हैं, इसका कूलर रखते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें ये क्या है, लोगों, स्थानों के नाम, जानवरों और चीजों के नाम को क्या कहा जाता है, वो है नेमिंग वर्ड, नामकरण शब्द। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, नेमिंग वर्ड आर कॉल्ड ऑल्सो, नेमिंग वर्ड आर ऑल्सो कॉल्ड, नामकरण शब्दों को डैश भी कहा जाता है। अब हम पिछले उसमें जाएंगे तो नेमिंग वर्ड कौन कौन है, भाई नाम ही तो है, और ये सभी नाम क्या कहलाते हैं, नाउन, क्या कहलाते हैं, संज्ञा, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाउन। जो नेमिंग वर्ड है उनको हम संज्ञा के नाम से भी जानते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, बैट्स फ्लाई ड्यूरिंग द नाइट, इन दिस सेंटेंस द वर्ड बैट इज, चमगादड़ रात के समय उड़ते हैं, इस वाक्य में चमगादड़ शब्द डैश है। अब रात के समय उड़ते हैं ये तो चमगादड़ की वही स्पेशलिटी है, इसको छोड़ देते हैं। इस वाक्य में चमगादड़ शब्द क्या है? अब चमगादड़ एक पक्षी है, चमगादड़ नाम रखा गया है उसका, तो वो एक नेमिंग वर्ड है, राइट, ऑप्शन डी, नेमिंग वर्ड। इस क्लास में हम 30 क्वेश्चन करेंगे, ओके। तो अभी 8 क्वेश्चन ही हुए हैं, बने रहिएगा, मुझे पता है कि आप लोगों को सारे आंसर पता है, इंटरेस्टिंग क्लास लग रही है, लेकिन क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, मेरा सजेशन है कि प्लीज आप एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम वाज आस्क्ड टू मेजर हिज कपबोर्ड, इट वाज 4 feet टॉल, हर फीट मींस, सॉरी हर नहीं, हेयर, हेयर फीट मींस, राम को अपनी अलमारी मापने के लिए कहा गया, यह 4 feet लंबी थी। यहाँ फीट का मतलब क्या है, यहाँ फीट का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी हाइट बताऊं तो मेरी हाइट है 5 feet 4 inch, ठीक है, तो ये मेरी हाइट है। अगर मैं कहूंगी कि मेरी लंबाई मापो, मेरी लंबाई क्या है, 5 feet 4 inch है, तो मैं अपनी लंबाई को माप ही तो रही हूँ, मैंने अपनी लंबाई को मापा है तभी तो मुझे पता चला है 5 feet 4 inch हूँ। ऐसे ही जब राम ने अपनी अलमीरा को मापा तो उस अलमीरा की जो लंबाई है वो लंबी है 4 feet की, तो ये लंबाई मापी गई है, क्या की गई है, मेजरमेंट लिया गया, उसका मापन किया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, जॉन वाज ट्रैवलिंग बाय बस टू हिज विलेज, ही नोटेड द नेम ऑफ प्लेसेस दैट ही कुड सी ऑन हिज जर्नी, व्हाट आर दीज वर्ड्स कॉल्ड एज। जॉन बस से अपने गांव जा रहा था, उसने उन स्थानों के नाम नोट किए जिन्हें वह अपनी यात्रा के दौरान देख सकता था। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको बस घुमा फिरा दिया और कुछ नहीं है, बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन था, इन्होंने 4 लाइन का कर दिया है, वो कैसे देखो।
इन्होंने बोला है कि जॉन बस से अपने गांव जा रहा था, तो उसने उन स्थानों स्थानों की बात आती है, तो यहाँ पर स्थानों के कुछ नाम होंगे भाई। वो जा रहा है रास्ते में, तो उसने बीच में कहीं आगरा मिला होगा, आगरा से उसको इटावा मिला होगा, राइट। तो उसने उन स्थानों को नोट किया। अब स्थानों को उसने नोट किया है स्थानों को, किसी नाम से तो किया होगा, किसी नाम से किया होगा भाई। आगरा से निकला तो उसने आगरा नोट कर दिया, अपनी नोटबुक में नोट कर लिया कि हम आगरा से निकले। फिर वो इटावा से निकला तो उसने इटावा नोट कर लिया। तो ये क्या है, नाम ही तो है, स्थानों के नाम ही तो है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नेमिंग वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश वर्ड, बिल्लियां डैश शब्द का एक उदाहरण है। अब यहाँ पर देखिए, वर्ड प्लूरल सिंगुलर या फिर अपोजिट, तो यहाँ पे बिल्लियां की बात हो रही है, बिल्लियां बहुत सारी बिल्लियां हैं, तो जो बिल्लियां हैं वो प्लूरल शब्द का एक उदाहरण है, प्लूरल यानी कि बहुवचन। बिल्ली की बात होती तो यहाँ पे सिंगुलर आता, लेकिन यहाँ पे बिल्लियां की बात हुई है, कैट्स की बात हुई है, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी प्लूरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगुलर नेमिंग वर्ड आर यूज्ड व्हेन डैश पर्सन प्लेस और थिंग्स इज प्रेजेंट, एक वचन नामकरण शब्दों का प्रयोग तब किया जाता है जब डैश व्यक्ति स्थान या वस्तु मौजूद हो। अब यहाँ पर एक वचन की बात करी गई है, तो एक वचन में एक ही व्यक्ति की बात की जाएगी, एक वचन में एक ही स्थान की बात की जाएगी, और एक वचन में एक ही वस्तु की बात की जाएगी, तो क्या हो जाएगा, वन, ऑप्शन सी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड इज, बच्चा का बहुवचन रूप क्या है, बच्चा एक सिंगुलर शब्द है, तो बच्चा का प्लूरल शब्द क्या होगा, पर्सन इन्फेंट किड या फिर चिल्ड्रन, क्या हो जाएगा इसका आंसर, किड नहीं करना है, बच्चे का प्लूरल हमें बताना है, तो वो होगा चिल्ड्रन, ऑप्शन डी चिल्ड्रन। एक कमेंट मुझे आया था कि हमारे एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश में आएंगे या फिर हिंदी में आएंगे, तो जिस तरीके से मैं करवा रही हूँ आपको क्लास उसी तरीके से आएंगे, मतलब ऊपर इंग्लिश में और फिर नीचे ऐसे ही ट्रांसलेट होकर हिंदी में आएगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, अ चाइल्ड वाज वर्किंग इन द कंप्यूटर लैब विच हैड मेनी कंप्यूटर्स, द वर्ड कंप्यूटर्स इन द डैश फॉर्म, एक बच्चा कंप्यूटर लैब में काम कर रहा था, बहुत सारे कंप्यूटर थे, कंप्यूटर शब्द का रूप में है, कंप्यूटर जो शब्द है वो किस रूप में है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। यहाँ पर देखिए, एक बच्चा है वो कंप्यूटर लैब में गया, मतलब कंप्यूटर की कोचिंग सीखने गया, तो वहाँ पर उसने देखा कि बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, वहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर रखे हैं, तो वहाँ पर जो कंप्यूटर्स रखे हैं वो किस फॉर्म में है, वो किस फॉर्म में, अब जो कंप्यूटर्स हैं बहुत सारे हैं, प्लूरल होगा, ऑप्शन बी प्लूरल। 15 नंबर क्वेश्चन है, विनय विजिटेड द डेंटिस्ट बिकॉज ही वाज सफरिंग फ्रॉम टूथ एच, डेंटिस्ट ट्रीट्स आवर टीथ प्रॉब्लम इन दिस सेंटेंस विच इज द प्लूरल वर्ड, विनय दंत चिकित्सक के पास गया क्योंकि वह दांत के दर्द से परेशान था, पीड़ित था। दंत चिकित्सक हमारे दांतों की समस्याओं का इलाज करते हैं, इस वाक्य में बहुवचन शब्द क्या है। अब यहाँ पर तीन चीजें जो हाईलाइट हो रही हैं वो हो रही हैं विनय चिकित्सक और दांतों की समस्या से वो परेशान था, तो यहाँ पर जो प्लूरल वर्ड सामने निकल के आ रहा है वो आ रहा है टीथ। 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रोनाउन ही सी हर कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ, सर्वनाम जो है जो ऊपर लिखे हैं ही सी हर का उपयोग डैश के स्थान पर किया जाता है, जो ही सी हर हैं वो हमारे नेमिंग वर्ड के स्थान पर किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बबली इज अ गुड गर्ल, She is so honest. तो यहाँ पर बबली नेमिंग वर्ड है, नेमिंग वर्ड के स्थान पे हमने किसका यूज किया, सी का, सर्वनाम का, राइट, सर्वनाम का हमने यूज किया नेमिंग वर्ड के स्थान पर। फॉर एग्जाम्पल, विराट कोहली इज द गुड बैट्समैन, ही ऑल्सो अ गुड हस्बैंड और गुड फादर, तो विराट कोहली एक नाम है, नेमिंग वर्ड है, उसके स्थान पर मैंने सर्वनाम कौन सा यूज किया, ही, राइट, क्या हो जाए इसका आंसर, ऑप्शन डी नेमिंग वर्ड। 17 नंबर क्वेश्चन है, दे इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू रिफर टू,
वे का प्रयोग तभी किया जाता है जब हम डैश का उल्लेख करना चाहते हैं। वे, दे आर गोइंग, इस शब्द का उपयोग पूछ रहे हैं। दे आर गोइंग टू आगरा, तो दे, अब दे एक लोगों के लिए यूज नहीं करेंगे, दे करेंगे बहुत सारे लोग हैं, राइट, चार पांच लोग हैं या फिर छह सात लोग हैं, उनको हम दर्शा रहे हैं कि वो जा रहे हैं, आगरा जा रहे हैं वो लोग, वो लोग आगरा जा रहे हैं, ऐसे बोलेंगे। तो ये हो जाएगा मैनी पीपल, जो दे है ये उल्लेख करता है बहुत सारे लोगों के बारे में। 18 नंबर क्वेश्चन है, द प्रोनाउन आई इज यूज फॉर, ये सिंपल क्वेश्चन है, राइट, सिंपल क्वेश्चन है। आपको हम बता दें बेसिक इंग्लिश स्किल के हम, बेसिक इंग्लिश स्किल की हम तीन क्लासेस होंगी, तीन क्लासेस करेंगे, क्लास नंबर 5, 6 एंड 7, इन तीन, सॉरी, इन तीन क्लासेस में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो पाएगा। बहुत बड़ा है, 90 क्वेश्चन है उसमें, 95 क्वेश्चन इस टॉपिक में, तो तीन क्लासेस होंगी इसकी, राइट। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं आ रहा, समझ में सारे आ रहे हैं और आंसर भी दे रहे हो बहुत अच्छी तरीके से, राइट। तो बिना किसी टेंशन के बस आपको एक एक क्लास देख लेनी है, और मैराथन क्लास करेंगे तब बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। ये मैं आपको कई बार बोल चुकी हूँ, एक बात मैं आपको फिर बता दूँ, जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत ही आपको हेल्पफुल रहने वाला है। 25 में से 25 क्वेश्चन लाने हैं तो उन क्वेश्चन को आपको ज़रूर पढ़ना है। आप मेरे प्रीवियस जो स्टूडेंट हैं उनको आप देख लीजिए, वो भी बताते हैं कि मैडम जी क्वेश्चन तो यही है, बस एक दो क्वेश्चन के वो लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में तो 25 में से 25 ही आने हैं आपके, बस पढ़ने की ज़रूरत है। थ्योरी में आपको क्या करना है, मेहनत करनी है थोड़ी, राइट, थ्योरी में आपको घुमा फिरा के जो क्वेश्चन है वो पूछ दिए जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर तो भैया दे ही देते हो आप लोग पहले से ही, सर्वनाम है जो आई है, सर्वनाम आई का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है, तो हम आई जो सर्वनाम है वो, आई जो है सर्वनाम, उसका हम किसके लिए यूज करते हैं, आई अपने लिए करते हैं ना, आई एम गोइंग टू दैट प्लेस, राइट, तो क्या होगा माई सेल्फ, हम अपने लिए करते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है, रमेश इज वर्किंग इन चेन्नई, डैश लाइक द ऑफिस एनवायरमेंट, रमेश चेन्नई में कार्यरत है, डैश को कार्यालय का माहौल पसंद है। अब यहाँ पे रमेश की बात हो रही है, रमेश महेश ये तो है नहीं, तीन चार लोग तो है नहीं, रमेश की बात हो रही है, तो रमेश का हम जो प्रोनाउन है वो क्या होगा, रमेश का प्रोनाउन क्या होगा, ही होगा ना, ऑप्शन ए ही लाइक द ऑफिस एनवायरमेंट। 20 नंबर क्वेश्चन है, सीता एंड आई आर फ्रेंड्स, डैश स्टेड इन गांधी बाजार, सीता और मैं एक दोस्त हैं, सीता मतलब दो ही लोग हैं, मैं और मेरी एक दोस्त सीता, डैश गांधी बाजार में रहती है। अब यहाँ पर मैं अपने बारे में बात तो नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी दोस्त के बारे में बात कर रही हूँ कि सीता मेरी दोस्त है और वह गांधी बाजार में रहती है। तो सीता एक नेमिंग वर्ड है, उसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, वो होगा प्रोनाउन होगा इसका सी, सी स्टेज इन गांधी नगर। 21 नंबर क्वेश्चन है, एक्शन वर्ड आर ऑल्सो कॉल्ड, क्रियात्मक शब्दों को डैश भी कहा जाता है, जो क्रियात्मक शब्द होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो जो क्रियात्मक शब्द होते हैं एक्शन वर्ड होते हैं उनको हम वर्ब्स कहते हैं, ऑप्शन सी वर्ब्स। 22 नंबर क्वेश्चन है, वर्ब्स टेल द एक्शन ऑफ द डैश, क्रियाएं डैश की क्रिया बताती हैं, जो क्रियाएं होती हैं वो किसकी क्रिया बताती हैं, तो आपने स्टार्टिंग से इंग्लिश ग्रामर पढ़ी होगी तो वहां पर आपको पता चलता होगा कि जो क्रियाएं हैं जो वर्ब्स हैं वो हमारी नाउन की क्रियाएं बताती हैं, नेमिंग वर्ड की क्रियाएं बताती हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, किम फेल फ्रॉम हर बाइक यस्टरडे, द एक्शन इन दिस सेंटेंस इज इन डैश टेंस, किम कल अपनी बाइक से गिर गई, वाक्य में क्रिया डैश काल में है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, किम कल अपनी बाइक से गिर गई है, अब कुछ नहीं हो सकता, गिर गई है, गिर चुकी है वो, तो ये जो वाक्य है गिर चुकी है ये किस काल में है, तो ये पास्ट टेंस है ना, पास्ट है, बीत गया है, कुछ नहीं हो सकता, गिर गई है, चोट लग गई है, अब ना हम उसको उठा सकते हैं ना उस चोट को ठीक कर सकते हैं, राइट, तो क्या है ऑप्शन बी पास्ट। 24 नंबर क्वेश्चन है, इट इज गोइंग टू बी अ सनी डे टुमारो, द एक्शन इन दिस सेंटेंस इज इन डैश टेंस, अब ये देखिए, कल दिन धूप वाला होगा, हुआ नहीं है और ना है, होगा, तो इस वाक्य में क्रिया डैश काल में है, मतलब ये जो वाक्य है ये किस टेंस का है, ये किस काल का है, तो ये काल है फ्यूचर, फ्यूचर टेंस का है,
सिंपल है ना क्वेश्चन, है ना, थम्स अप तो कर दो भैया, लाइक कर दिया करो। आप लोग क्लास को लाइक नहीं करते हो, पता नहीं क्या कंजूसी है आप लोगों को। हाँ आप लोग कर दिया करें तो मेरी, अगर देखो आप लाइक करोगे ना, लाइक कर दोगे, सब्सक्राइब कर दोगे, तो मुझे भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा कि हाँ बच्चे लाइक करते हैं, क्लास को सब्सक्राइब किए हैं, मेरी भी थोड़ी ग्रोथ हो, राइट। अब मेरी ग्रोथ नहीं होगी तो फिर वही है कि रिश्तेदार बोलेंगे ये लड़की देखो अलग काम कर रही थी, नहीं हो पाई ग्रोथ। मतलब कहने वाले कहते हैं और सुनते हैं हम लोग, सुनते हैं फिर ठीक है। तो आप लोग क्लास अच्छी लगे तो, वरना अगर अच्छी ना लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, कुछ तो प्रतिक्रिया दिया करें आप। अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक जरूर किया करें, राइट। पसंद ना आए तो ऑप्शन है डिसलाइक बटन का, उसको भी आप दबा सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं क्लास को, वो आपकी मर्जी है। पर चैनल को सब्सक्राइब प्लीज आप लोग जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन है, अरुण ट्रैवल्स टू स्कूल बाय बस, द एक्शन वर्ड इन द सेंटेंस इज, अरुण बस से स्कूल जाता है, वाक्य में क्रिया शब्द क्या है? अरुण बस से स्कूल जाता है, अरुण ट्रैवल्स टू स्कूल बाय बस, जाता है। अब इसमें क्रिया क्या हो रही है, क्रिया क्या हो रही है, जाना ही तो हो रही है, वो क्रिया क्या कर रहा है, इसमें क्या एक्शन हो रहा है, वो जा रहा है, वो स्कूल से घर जा रहा है, एक्शन हो रहा है ना, क्रिया हो रही है ना, तो क्या होगा, ट्रैवल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडजेक्टिव आर डैश वर्ड्स, विशेषण डैश शब्द है, एडजेक्टिव आर विशेषण शब्द हैं, साउंड फिनिश डिस्क्राइब या फिर न्यूट्रल, क्या होगा, ऑप्शन सी डिस्क्राइबिंग। जो एडजेक्टिव हैं वो हमें डिस्क्राइब करते हैं, जो वर्ड को डिस्क्राइब करते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब वर्ड एड मोर इन्फॉर्मेशन टू द डैश, शब्दों का वर्णन करने से डैश में अधिक जानकारी जुड़ती है, शब्दों का वर्णन करने से किस में अधिक जानकारी जुड़ती है, नेमिंग वर्ड, डैट, सैड या नंबर्स, आंसर क्या हो जाएगा, नेमिंग वर्ड, ऑप्शन इज राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इट इज अ डैश नाइफ, फिल इन द करेक्ट एडजेक्टिव, विशेषता बतानी है हमें चाकू की, यह एक डैश चाकू है, सही विशेषण, सही विशेषण शब्द भरे। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या पढ़ा था, नेमिंग वर्ड, शब्दों का वर्णन करने से अधिक जानकारी जुड़ती है, अधिक जानकारी जुड़ती है शब्दों में, क्या है, नेमिंग वर्ड से अधिक जानकारी जुड़ती है। यहाँ पर चाकू की बात हो रही है, चाकू की विशेषता क्या है, कि वो शार्प होता है, चाकू की विशेषता यही तो होती है कि वो शार्प होता है, तो इट इज अ शार्प नाइफ, ऑप्शन बी, शार्प नाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सी इज ब्लू, इन दिस सेंटेंस डैश इज एन एडजेक्टिव, समुद्र नीला है, इस वाक्य में डैश एक विशेषण है। अब यहाँ पर विशेषण क्या है, समुद्र नीला है, नीला है, समुद्र नीला है, समुद्र है, यह एक समुद्र है, ऐसे भी बोल सकते थे, नहीं, लेकिन इन्होंने बोला है कि द सी इज ब्लू, समुद्र नीला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन फिल्ड वाटर इन टू अ लार्ज पॉट, इन दिस सेंटेंस द डिस्क्राइबिंग वर्ड इज, अर्जुन ने एक बड़े बर्तन में पानी भरा, इस वाक्य में वर्णन करने वाला शब्द डैश है। अब यहाँ पर देखिए, एक ये भी लिख सकते थे, अर्जुन ने एक बर्तन में पानी भरा, राइट, अर्जुन ने एक बर्तन में पानी भरा, ये एक सिंपल तरीके से बोल दिया, लेकिन उन्हें और अच्छे से डिस्क्राइब करना था, तो उन्होंने कर दिया कि अर्जुन ने एक बड़े बर्तन में पानी भरा, बड़े बर्तन में पानी भरा, तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए लार्ज। नेक्स्ट हमारी क्लास वही होगी, हमारा टॉपिक बेसिक इंग्लिश स्किल, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करने वाले हैं, जो अभी हमने क्लास फाइव में किए रिसेंटली, 30 क्वेश्चन हमने क्लास फाइव में किए हैं, 30 क्वेश्चन हम क्लास सिक्स में करेंगे, और फिर जो 30-35 क्वेश्चन बचेंगे वो हम क्लास सेवन में करेंगे। तो इससे हमारा जो 3 क्लासेस में बेसिक इंग्लिश स्किल का टॉपिक है वो हो जाएगा कम्प्लीट, उसके बाद हम और जो टॉपिक हैं उनको हम पूरा कवर करेंगे। और कोपा थ्योरी की भी क्लासेस हमारी हो रही हैं, राइट, काफी क्लासेस हमारी हो चुकी हैं ऑलरेडी, 4-5 क्लासेस हो चुकी हैं, आप उनको देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ, द पंक्चुएशन इन आवर सेंटेंस मेक्स द मीनिंग डैश टू अंडरस्टैंड, किसी वाक्य में विराम चिन्ह से अर्थ डैश समझ में आता है, इसका आंसर आप बता सकते हैं तो बता दीजिए, नहीं तो हम अगली क्लास में इसका आंसर बताएंगे, क्वेश्चन को ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम करेंगे, राइट। आपके सिलेबस में जो इम्प्लॉयबिलिटी स्किल के जो सिलेबस है उसमें जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी टॉपिक है, सारे टॉपिक हम इस चैनल पर करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको अगली क्लास में, और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए, राइट। चलिए मिलते हैं अपनी क्लास नंबर 6 में।